सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 4 मोशन का नेक्स्ट पार्ट। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखो, इन जनरल व्हाट डिफरेंस कैन यू सी इन द कार दैट रन ऑन रोड एंड अ रेसिंग कार दैट रन ऑन अ ट्रैक। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप लोग मुझे एक डिफरेंस बताओ, एक नॉर्मल कार जो रोड में चल रही है और एक कार जो रेस के ट्रैक में चल रही है, अगर मैं पूछूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपका एक उत्तर यहां से निकल कर आएगा, वन मेन डिफरेंस इज दैट रेसिंग कार हैज अ वेरी हाई स्पीड। आप बोलोगे सर जो ट्रैक में जो दौड़ रहा है ना रेसिंग कार, उस रेसिंग कार की जो स्पीड होगी दैट स्पीड विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू द रनिंग ऑन द रोड। सेकेंड डिफरेंस इज दैट रेसिंग कार हैज अ वेरी गुड पिकअप। अब देखो, अगर हम लोग एक और डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें कि नॉर्मल रोड में चलने वाला कार और रेसिंग ट्रैक में चलने वाले कार में क्या अंतर हो सकता है, तो वो अंतर है दोनों के पिकअप में। पिकअप का मतलब क्या है, देखो, पिकअप शोज हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस। पिकअप का मतलब यह होता है कि कौन सा कार या कौन सा गाड़ी जो है कितना जल्दी स्पीड को पकड़ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप स्कूटी को करोगे तो स्कूटी का पिकअप थोड़ा कम होता है, लेकिन जो 4 स्ट्रोक 5 स्ट्रोक मतलब गियर वाले जो कार्स बाइक जो होते हैं उनका पिकअप ज्यादा होता है। ठीक है, फॉर दिस अ टेक्निकल वर्ड एक्सेलरेशन इज यूज्ड। ये जो पिकअप है ना, इसी को साइंस के टर्म्स में अगर हम लोग टेक्निकल वर्ड में देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं या एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि उसकी जो स्पीड है वो कितना जल्दी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको एक काम दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 1 कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बस ए एंड बस बी एंड कंप्लीट द टेबल। ये वाला हम लोग पहले कर भी चुके हैं, आप चाहो तो इसको कंप्लीट कर भी सकते हो, यहां पर ये कंप्लीट करके दिया भी हुआ है। इन टेबल 6 वी सी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बस ए अ चेंज इन वेलोसिटी इज 0 एंड इन द सेम इंटरवल द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब हम बस 1 की स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं तो देखो पहले 11.11 था, बाद में भी उतना है, आगे भी उतना है, आगे भी उतना है, तो वेलोसिटी ऑफ बस जो है, पहला बस का जो वेलोसिटी है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। बट इन द मोशन ऑफ बस बी द चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंट एट द डिफरेंट टाइम्स। लेकिन अगर हम लोग बस बी की बात करें तो बस बी की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग टाइम पर क्या है, अलग अलग है। Therefore, to express the change in velocity of a bus, we need to know about the lead quantity. इसीलिए हमें कौन सा बस या कौन सा कार या कौन सा बाइक कितना जल्दी स्पीड को चेंज कर रहा है, इसको जानने के लिए हमें एक नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, और उस नई क्वांटिटी को हम एक नाम देते हैं, एक्सेलरेशन नाम जो है हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज मतलब समय के हिसाब से कौन अपनी वेलोसिटी को ज्यादा बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप और आपका दोस्त जो है स्कूल जाने के लिए एक ही टाइम पर निकले, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपसे 2 मिनट पहले पहुंच गया और आप 2 मिनट लेट हो गए। इसका रीजन क्या है कि उसने जब साइकिल चलाया तो उसने अपनी स्पीड को बहुत जल्दी जल्दी बदला, ठीक है, तभी वो जल्दी पहुंच गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि उसका एक्सेलरेशन क्या था, ज्यादा था। तो एक्सेलरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा चीज कितना जल्दी टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड को क्या करता है, वेलोसिटी को कितना जल्दी बदलता है। अगर इसको फॉर्मूले के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूले के टर्म्स में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। जबकि स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज इन डिस्टेंस। हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में नीचे क्या था, टाइम था, जबकि यहां पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। अब देखो आगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी यू एंड इन टाइम टी इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में कितना स्पीड से चल रहा था, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी, यू थी, फिर उसके बाद उसकी टी समय के बाद मतलब टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, वी हो गई, देन इट्स एक्सेलरेशन। तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, आपका जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से आप क्या करोगे, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको घटा दोगे
और नीचे क्या कर दोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का कितना था, वी था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू था, और टाइम कितना है हमारे पास, टी है। तो ये ऊपर वाला तो इसका थ्योरेटिकल फॉर्मूला बना, नीचे वाला इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो है बन गया है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, लेकिन 5 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड बढ़कर कितनी हो जाती है, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसका एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो, फाइनल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, नीचे में क्या है हमारे पास, टाइम डिफरेंस कितने का है। तो देखो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितने की है, 50 मीटर पर सेकेंड की। इनिशियल वेलोसिटी कितना था जब हमने कैलकुलेशन करना चालू किया, 20 था। कितने समय में यह हुआ, 5 सेकेंड में यह हुआ। तो यहां पर कितना बचेगा, 30, यहां कितना आएगा, 5, तो 5 छक्के कितना होता है, 30। और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। और यहां पर देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और नीचे में एक और टाइम आ गया, तो मीटर का टाइम का मतलब क्या है, एक और सेकेंड आ गया। तो इसीलिए इसका यूनिट क्या बनेगा, देखो ये सेकेंड और ये सेकेंड क्या हो जाएंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का है जो कि न्यूमरेटर में है, देखो न्यूमरेटर में है, और नीचे में एक और समय है, एक और टाइम है, एक और वेलोसिटी, एक और टाइम है एस, तो सेकेंड एक और आ जाएगा, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका यूनिट जो है हो जाएगा। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इफ इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव एंड इट्स कॉल्ड डिसेलरेशन। अब देखो जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में आप अपनी वेलोसिटी को भी बढ़ाते हुए जा रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे आप अपने घर से निकले स्कूल को पहुंचने के लिए और स्कूल के डायरेक्शन में ही आप अपनी स्पीड को क्या कर रहे हो, साइकिल की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। और उस केस में हम ए को क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, और उस समय उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे मान लो आप रोड में बहुत अच्छी स्पीड से जा रहे हो और दूर से आपको एक गाय एक कुत्ता रोड पे दिखता है, तो आप अपनी स्पीड को क्या करोगे, धीरे धीरे कम करोगे। तो धीरे धीरे जब ब्रेक मारोगे तो आप क्या करो, जा रहे हो कहां, सामने की तरफ, लेकिन आपका जो ब्रेक है वो कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, तो आपकी स्पीड क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं नेगेटिव और उसको बोलते हैं डिसेलरेशन जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो When the change of velocity with respect to time is constant, then it is called the uniform acceleration motion and acceleration is constant. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी को मेंटेन करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो सेम उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट जब निकला था तो उसकी स्पीड थी हमारे पास मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 सेकेंड बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड, या मान लेते हैं 5-5 सेकेंड का इंटरवल है, 5 सेकेंड का अंतर ही है, तो हर 5-5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड इज फॉलोस, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड फिल द टेबल। हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में और डिस्टेंस के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको पढ़कर क्या करना है, इस टेबल को फुलफिल जो है हमें करना है। तो पहले कॉलम में देखो हमारे पास टाइम है और टाइम में हमारे पास 2-2 सेकेंड का डिफरेंस है। फिर उसके बाद देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा किसमें, मीटर में है, और यहाँ पर ये अलग अलग है। हमें एक बार कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, एक बार हमें कैलकुलेट करना है क्या, एक्सेलरेशन जो है हमें कैलकुलेट जो है करना है। तो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था, डिस्टेंस भी जीरो था, वेलोसिटी भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब देखो जब जीरो से 2 सेकंड बढ़ा तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 मीटर बदल गया, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस। तो फाइनल डिस्टेंस कितना है 1, तो और इनिशियल डिस्टेंस कितना है 0, तो 1 - 0। फाइनल टाइम कितना है 2, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो 2 - 1 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम जाएंगे 4 सेकंड पे, क्योंकि 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई है, 1.5। और हमें पता है कि जब हमें एक्सेलरेशन चाहिए होता है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे में क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, विच इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरीके से आप सारे टेबल को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करना चाहो
तो आप जो है कर सको, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। इन टेबल 7 यू सी दैट एट एवरी मोमेंट एक्सेलरेशन इज सेम। अच्छा चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। अब जैसे देखो इसका वेलोसिटी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 5, और यहां पर अगर हम लोग 6 माइनस 4 करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं ना, ऊपर में डिस्टेंस को माइनस करेंगे नीचे में टाइम को माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या होगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 करने से 7 आएगा और यहां पे कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3.5। फिर 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहां पे 9 और नीचे में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, अब ये हो गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अगला वेलोसिटी कितना है देखो 2.5 और स्टार्टिंग वाला कितना है 1.5 और टाइम कितने निकल गया यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पर देखो 1.5 में से 2.5 में से 1.5 जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन में 2 मतलब 0.5। फिर इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट वेलोसिटी कितना है 3.5 माइनस 2.5 अपॉन में 2 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 0.5। फिर से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अगर इसका आगे का पता होगा तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.5। तो आप यहाँ पर टेबल नंबर 7 में देख सकते हो कि हर समय पे एक्सेलरेशन हमारा कितना है, सेम है, है कि नहीं, 0.5 0.5 0.5, टाइम हमारा क्या है सेम है। देयरफॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट का जो मोशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हर दो दो सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन कितना है 0.5 है। After completing the above table, draw the distance time graph, velocity time graph and acceleration time graph for a uniform acceleration motion. अब आपको बोल रहा है कि इन सब को क्या करना है, आपको ग्राफ में जो है रिप्रेजेंट जो है आपको करना है। ठीक है, जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट विद टाइम, देयरफॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो जब हम लोग उसका एक्सेलरेशन एक एक्सिस में एक्सेलरेशन रहेगा और एक्स एक्सिस में टाइम रहेगा, मतलब हम लोग पढ़े कि नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं मतलब वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन को रखते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम को रखते हैं तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से जो है बनेगा। एरिया कवर्ड बाय द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस बिटवीन 4 to 8 सेकेंड। अब इसी का ये जो ऊपर वाला जो डेटा है ना, तो 4 से 8 सेकेंड के बीच का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो देखो हमें किस तरीके का ग्राफ जो है देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में, इधर हमारे पास क्या है टाइम। तो अब देखो हमारा जो एक्सेलरेशन है मान लो कॉन्स्टेंट है, 4 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच में हमारा एक्सेलरेशन 4 है, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारे पास। अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं एरिया अंडर द कर्व तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बन रहा है देखो ए बी एम एल, इसका एरिया जो है हमें निकालना जो है पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये एक एग्जांपल देके आपको बताया है कि अगर आपका एक्सेलरेशन जो है 4 है और आपका टाइम जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो ये एक नया इंफॉर्मेशन आपको दिया है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ऊपर वाले में तो 0.5 आ रहा था एक्सेलरेशन, यहां पर ये 4 कैसे दे दिया। ये बस आपको समझाने के लिए है कि जब आपका घर से आप निकले थे तो आपका घर से निकले थे जब आपका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, 4 सेकेंड बाद भी उतना है 8 सेकेंड बाद भी उतना है, तो ये आपको क्या बताना चाहता है कि 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ में जो यहाँ पर जो एरिया बना है इस एरिया को वो फाइंड करके आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है देना चाहता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डाटा उसने कहीं से कंसिडर किया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इनटू विड्थ। अब देखो ए एल, ए से लेके एल तक का ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हाइट, तो हाइट हमारा कितना है 0 से लेके 4 तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ हमारा कितना है एल से लेके एम तक मतलब 8 में से 4 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पर हमारे पास यूनिट है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्पीड का है मतलब टाइम का है सेकेंड, तो एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो यहां कितना बचेगा 16 मीटर पर सेकेंड।
इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी थ्रू द एरिया कवर द अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। तो यहां से सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलता है कि अगर आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हो, तो वो एरिया आपको क्या शो करता है, वेलोसिटी को जो है शो करता है। तो अब जितना बड़ा एरिया कवर करेगा उतना बड़ा ही क्या होगा, वेलोसिटी जो है हमारा होगा। ठीक है, ये आप यहां से ग्राफ से देख सकते हो। ये ग्राफ उसने जस्ट समझाने के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्टार्ट किया है, आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होइएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और, यहां पर एक और ग्राफ कंसिडर किया है। लेट सी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम ग्राफ। अब देखो फिर से इसने ग्राफ कंसिडर किया जिसके एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी है। अब देखो 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है और इधर हमारी क्या है, वेलोसिटी है। अब देखो इसने क्या किया, यहां पर एक ग्राफ बना है वेलोसिटी और टाइम का। तो अगर हम लोग इसमें टाइम टी वन को कंसिडर करते हैं 2 सेकेंड, मतलब इस वाले पॉइंट को, तो उस समय हमारी वेलोसिटी कितनी थी। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, आपको किसी भी टाइम के करेस्पॉन्डिंग अगर आपको वेलोसिटी जानना है या वेलोसिटी के करेस्पॉन्डिंग टाइम जानना है, तो इसको आपको इस तरीके से ऊपर खींच के मिलाना है, फिर आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड में खींच के लेके जाना है। तो कितना दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से टी टू जब 6 सेकंड हो गया तो 6 सेकंड को यहाँ ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो कितना है, 1.5। अब अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 1.5, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0.5, फाइनल टाइम कितना है, 6 सेकंड, इनिशियल टाइम हमने जो कंसिडर किया कैलकुलेशन करने के लिए जो कैलकुलेशन मतलब लिया है वो 2 सेकंड है, इसीलिए यहां पर इनिशियल की जगह 0 नहीं होगा, कितना होगा, 2 से होगा, क्योंकि हम 2 से गिनना चालू कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। वी नो दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट इन द फिगर 9। एरिया ऑफ द ABCDE इन द गिवन टाइम इंटरवल शोज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिला था, ध्यान रखना कौन कौन सा ग्राफ आप पढ़ रहे हो। अगर आप एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ पढ़ रहे हो तो इसका जो एरिया होता है वो हमें वेलोसिटी को देता है। ठीक है, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जितना बड़ा एरिया आता है वो एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट को जो है देता है। अब देखो हमें एरिया निकालना है कौन सा, ए बी सी डी ई, इतना बड़ा एरिया जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, आधा देखो आधा हिस्सा ट्रायंगल है और आधा हिस्सा क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसीलिए इसने इसको तोड़ दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ या बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया तो हो गया, उसके बाद बोलते हैं सॉरी ट्रायंगल का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखो यहाँ पे ये हाइट में कितना है, रेक्टेंगल के हाइट को देखो, रेक्टेंगल का हाइट 0.5 है, रेक्टेंगल का विड्थ कितना है, 6 में से 2 को घटा देंगे तो 4 होगा, फिर हाफ बेस कितना है, बेस तो 4 ही है ट्रायंगल का भी, हाइट कितना है देखो, हाइट है इसका डी से लेके ई, मतलब 1.5 में से 0.5 ये हमारा हाइट है कि नहीं, देखो ये हमारा ट्रायंगल का हाइट है। तो फाइनल कितना है, 1.5, इनिशियल कितना है, 0.5, इन दोनों को घटा देंगे तो ट्रायंगल का हमें क्या मिल जाएगा, हाइट जो कि आएगा 1। अब इसको 0.5 इंटू 4 करेंगे तो 2 आएगा, 4 1 4 ये हो जाएगा 2 2 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 2 प्लस 2 4। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, यहां से 4 आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उससे हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जबकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी जो है मिलता है। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग यहां से नए टॉपिक के बारे में जो है जो भी होगा हमारा अगला यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है।